कौन सी बिजनेस में स्पीड ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, कुरियर डिलीवरी, फायर ब्रिगेड या फिर फूड डिलीवरी? इन सब को बहुत तेजी से काम करना पड़ता है ताकि काम वक्त पे खत्म हो जाए। पर मेरे ख्याल से जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस का हिस्सा हैं, उन लोगों के लिए समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब बात ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की आती है तो डॉक्टर्स घड़ी के खिलाफ दौड़ रहे होते हैं और समय उनके पक्ष में नहीं होता। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हार्ट या लंग्स को कुछ ही सेकंड्स के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कब तक ऑर्गन्स हमारे शरीर के बाहर जिंदा रह सकती है और देखेंगे कुछ प्रोसेस जिससे कि ऑर्गन्स को शरीर के बिना जिंदा रखा जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के हार्ट ट्रांसप्लांट डायरेक्टर डॉक्टर ब्रायन लीमा के मुताबिक, हमारा दिल सबसे ज्यादा कमजोर ऑर्गन है जो कि 4 से 6 घंटे के स्टोरेज के बाद नष्ट हो जाता है, क्योंकि एक समय के बाद हार्ट सेल्स का काम करना बंद हो जाता है और ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद हार्ट काम न करने का रिस्क बढ़ जाता है। वैसे देखा जाए तो कोल्ड स्टोरेज में हमारा लंग्स 6 से 8 घंटा और लीवर 12 घंटा जीवित रह सकते हैं। किडनी, जिसका जीवित समय सबसे ज्यादा माना जाता है, वो 72 घंटे तक जीवित रह सकता है, क्योंकि ब्लड सेल्स और टेम्परेचर की कमी के चलते किडनी को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। यूनाइटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग के अनुसार 2018 में अकेले अमेरिका में 36,500 से अधिक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुए थे, जिनमें से 21,000 केसेस किडनी के, 6,500 केसेस लीवर के, 6,000 केसेस हार्ट के और 3,000 केसेस लंग्स के थे। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस माना जाता है। स्टैटिक कोल्ड प्रिजर्वेशन ऑर्गन स्टोर करने का सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रक्रिया है, जिसमें ऑर्गन्स को प्रिजर्वेशन फ्लूइड में धोकर थर्मल कंटेनर में स्टोर किया जाता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में ऑर्गन सेल्स अपने मेम्ब्रेन के साथ केमिकल एक्सचेंज करते हैं और जब ये ऑर्गन्स थर्मल कंटेनर में स्टोर किए जाते हैं तो केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस न हो पाने के कारण ऑर्गन्स के मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाती है, जिससे कि ऑर्गन सेल्स में सूजन आ जाती है और इससे ऑर्गन्स की डेथ हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर्स को ऑर्गन की क्वालिटी देखकर पता नहीं चलता है, जिससे कि ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के बाद ऑर्गन्स काम न करने का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स ने और एक ऑर्गन स्टोरिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया है, जिसका नाम है परफ्यूजन। इस प्रक्रिया में एक मशीन की मदद से ऑर्गन्स में ब्लड और फ्लूइड ऑक्सीजन पंप किए जाते हैं, जिससे कि ऑर्गन्स को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे हमारी बॉडी में रहते वक्त मिलते हैं। इसी प्रक्रिया के चलते डॉक्टर्स इन ऑर्गन्स की क्वालिटी चेकअप कर सकते हैं, जिससे ट्रांसप्लांटेशन के बाद ऑर्गन काम ना करने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि इस प्रक्रिया के चलते लीवर को 36 घंटे तक जीवित रखा जा सकता है और लंग्स और हार्ट करीब 24 घंटे तक जीवित रह सकते हैं और एक्सपेरिमेंट के अनुसार किडनीज को लगभग 4 दिन तक जीवित रखा जा सकता है। डॉक्टर ब्रायन लीमा के मुताबिक इस प्रक्रिया के आविष्कार होने के बाद डोनर्स की संख्या लगभग 30 से 40% बढ़ गई है, क्योंकि पहले दूर की जगहों से ऑर्गन्स लाने पर वो खराब होने की आशंका रहती थी, जो अब नहीं रही। एक रिसर्च के अनुसार ये देखा गया है कि महीने में ऑन एन एवरेज स्टैटिक कोल्ड प्रिजर्वेशन प्रक्रिया में 36 ऑर्गन्स नष्ट हो जाते हैं, वहीं परफ्यूजन प्रक्रिया में सिर्फ 10 ऑर्गन्स ही नष्ट होते हैं। साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिसका नाम है द बीटिंग हार्ट। इस प्रक्रिया के दौरान हार्ट को इंसान के शरीर से निकाल के एक स्पेशल कंटेनर में रखा जाता है, जिसमें उस हार्ट में ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को इंसानी शरीर के टेम्परेचर में हीट करके पंप किया जाता है, जिसके चलते हार्ट इंसान के शरीर में रहने जैसा बीट करता है और इस प्रक्रिया के चलते हार्ट की लॉन्जिबिलिटी परफ्यूजन प्रक्रिया से लगभग दुगनी हो जाती है और आज तक लगभग 100 हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी इस प्रक्रिया में किए जा चुके हैं। फ्यूचर में शायद ऑर्गन्स को किसी भी कंटेनर में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनोवो नाम की एक मेडिकल कंपनी ने 3D प्रिंटर्स की मदद से ऑर्गन्स, स्किन्स और भी कई सारे अंग को प्रिंट करने की एक्सपेरिमेंट शुरू कर दी है, जो कि भविष्य में ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस में काम आएगा। 2011 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटोनी एटाला नाम के एक बायो इंजीनियर ने किडनी के कुछ पार्ट्स को प्रिंट करके दिखाया था और 2017 में चाइना के एक बच्चे के डिफेक्टेड कान को एक 3D प्रिंटेड कान से ट्रांसप्लांट किया गया था। साइंटिस्ट के मुताबिक बहुत जल्द इस प्रक्रिया की मदद से सभी ऑर्गन्स को प्रिंट करके ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो आप सबको क्या लगता है, फ्यूचर में 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स बना के ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।